हेलो, वेलकम टू हमारे चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। लेट्स बैक टू द स्टोरी। फनशो यूनिवर्स के अल्टार पर से वापस आ गया था। जियोचैन ये नोटिस कर लेता है लेकिन उसकी ओर नहीं देखता। फनशो उसे बुलाता है लेकिन जियोचैन उसे इग्नोर ही करता रहता है कि एक घंटे तक मैं उसे इग्नोर करता ही रहूँगा, यही उसकी पनिशमेंट है। लेकिन फनशो की हालत ख़राब थी, उसके पैरों का पूरा फ्लैश निकल गया था। जियोचैन ये देखकर बहुत चौंक गया कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। फनशो कहता है कि वो भट्टी बेकाबू हो गई है, बहुत सीरियस हालत हो गई थी। मैंने मेरी पूरी कोशिश करके उसे दबाने की पूरी कोशिश की, अभी भट्टी कंट्रोल के बाहर हो गई है। जियोचैन ज़ोर से कहता है कि क्या, तो अभी वहाँ क्या सिचुएशन है? तो फनशो बताता है कि शायद कुछ घंटे के बाद वो एक्सप्लोड हो जाएंगी। जियोचैन कहता है कि हमारे पास बस इतना सा ही वक्त बचा है, अगर ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए तो सब ख़त्म हो जाएगा। और वो सोचता है कि हेवनली लो 5000 सालों से इस ग्रेट सेरेमनी का इंतज़ार कर रहे थे, अगर ये ख़राब हो गया तो वो कितना गुस्सा हो जाएंगे, वो तीनों लोग पर फिर अपना कहर बरसाएंगे। और वो कहता है कि नहीं, हम आखिरी मुकाम पर आ गए हैं, हम हार नहीं सकते, मुझे कुछ तो सोचना होगा, कोई तो रास्ता होगा ही। लेकिन तभी वहाँ डीमन लॉर्ड डिसेंट और स्टूबोन दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गए थे। संगयान उस पर बहुत गुस्सा था। जियोचैन कहता है कि कियोस, ये सच में तुम हो जो यहाँ गॉड पैलेस में घुस आए थे? और फनशो सोचता है कि ये डीमन लॉर्ड है, यही लीजू का हस्बैंड है। संगयान जियोचैन को कहता है कि इस बार तुमने कौन से मीठे शब्दों का इस्तेमाल करके मेरे पार्टनर को फंसाने की कोशिश की है, वो अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती उसे बार बार अपनी लालच के लिए बलि चढ़ाते हुए? फनशो जियोचैन के हाथों को खोलने लगता है कि आप उसे बातों में फंसाए रखिए, तब तक मैं आपकी रस्सियों को खोल देता हूँ। संगयान जियोचैन को 1-on-1 फाइट के लिए कहता है। जियोचैन फनशो को रोक देता है कि उसे रस्सियाँ खोलने की ज़रूरत नहीं है, और वो उठकर संगयान से कहता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या पहले तुम्हें ये पता है कि जो पर्सन तुम्हें प्यार करता है उसे तुम जो कहोगे वो करेगा, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा, तुम तो शुरू से ही उसे पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। संगयान कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? जियोचैन अपनी पावर से उस रस्सियों को तोड़ देता है और कहता है कि तुम तो एक बीस्ट हो, तुम पे जितने उपकार किए जाए तुम्हें शुक्रिया अदा करने जैसा फील होगा ही नहीं, तुम कभी तीनों लोगों के बारे में सोचोगे ही नहीं, यहीं पे लीजू और तुम अलग पड़ जाते हो। अगर मैं बीच में नहीं आता फिर भी आगे जाके इस बारे में तुम दोनों की बहस होती ही। और वो फनशो को विस्पर करके कहता है कि जाओ जाके छुप जाओ और भागने के लिए तैयार रहना। और वो संगयान के साथ फाइट के लिए तैयार हो गया। फनशो सोचता है कि उस रस्सियों से वो जानबूझ के बंधे रहे थे, उस पे उसका असर नहीं हो रहा था, वो कितने कमाल के है। संगयान डिसेंट और स्टूबोन को ध्यान रखने के लिए कहता है कि ये जियोचैन भाग ना पाए। स्टूबोन कहता है कि वो इस बार नहीं भाग पाएगा, लेकिन जियोचैन भी उससे लड़ने के लिए रेडी था। वो कहता है कि मैं क्यों भागूंगा, तुम अपनी जान बचाओ। और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फनशो साइड में खड़ा था, वो जियोचैन की हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी। वो भट्टी से यहाँ वापस आया, इसमें ही उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, और अभी जो उसकी फिजिकल बॉडी है वो फेक है, वो अभी कम शक्ति होने की वजह से ये बॉडी भी खो सकता है। जियोचैन फनशो की हालत देख रहा था और संगयान को कहता है कि तुम मुझे मार नहीं डालोगे, तब तक रुकोगे नहीं है ना? तो संगयान कहता है कि क्या तुम अभी से थक गए, हार मानने की सोच रहे हो? लेकिन मुझे तो अभी धीरे धीरे मज़ा आना शुरू हुआ है। और वो जियोचैन के ऊपर अटैक करता है लेकिन बीच में येली आ जाता है और अपनी तलवार से उसे डॉज कर देता है। संगयान सरप्राइज था कि वो जियोचैन के लिए मुझसे लड़ रहा है, और वो ज़ोर से कहता है कि साइड में हट जाओ। लेकिन येली कहता है कि लड़ाई करना बंद करो, हेवनली एम्परर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सब उसे गलत समझते हैं, शांत हो जाओ। और वो अपनी डिवाइन पावर से उसे दूर कर देता है। स्टूबोन येली की पावर देख के सरप्राइज था और कहता है कि बिग ब्रदर कियोस, अब क्या करेंगे, क्या आप उससे फाइट करेंगे? संगयान के पास कोई जवाब नहीं था। जियोचैन येली को धीमी आवाज़ में कह देता है कि भट्टी कंट्रोल से बाहर हो गई है, हमें अभी वहाँ जाना होगा, अपने गोस्ट अंकल को प्रोटेक्ट करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से भाग जाओ।
लेकिन तभी वहाँ जिंग युआन आता है अपनी पूरी आर्मी लेकर। वो सब जियो चैन को बचाने आए थे। वो लोग फान शाओ को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियो चैन उन्हें कहता है कि उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो सिपाही डर के मारे उसका हुक्म मान लेते हैं। यली फान शाओ को ले जाने लगता है। वो सिपाही जियो चैन का ऑर्डर्स नहीं मानने वाले थे, लेकिन आदत से मजबूर वो उसका ऑर्डर मान गए। स्टूबोन फान शाओ के बारे में कहता है कि स्प्रिंग गॉड उसे भी जानते हैं। सांगयान को गुस्सा आ रहा था और वहाँ लड़ाई का देवता जिंग युआन ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे अब भी वो जियो चैन की साइड में ही हो, लेकिन जियो चैन कहता है कि तुम्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो तुम ही हो जिसने इस डीमंस को अंदर आने दिया है। दुश्मन से मिलकर अपने मास्टर के सामने नाटक कर रहे हो, तुम तो सच में बहुत वफादार लड़ाई के देवता हो। तो ये सुन के जिंग युआन चौंक गया कि तो आपको पहले से ये पता था। फिर वो जियो चैन के सामने उसका वफादार बनने का नाटक बंद करता है और जियो चैन को मारने के लिए कहता है। तो जियो चैन कहता है कि तो तुम सब लोग मुझे मारना चाहते हो, अच्छा तो मैं यही हूँ, देखता हूँ कि कौन मुझे मारने की हिम्मत करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।